अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एशियन कुजीन। आज मैं आपको मज़ेदार हलीम की रेसिपी दूंगी कि घर में हम बाज़ार जैसा हलीम बल्कि उससे भी अच्छा हलीम कैसे बना सकते हैं। सब ये टू स्टेप में बनेगा। फर्स्ट स्टेप में हम ये दालें वगैरह ये इसके भिगोएंगे और भिगोने के बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। उसके लिए मैंने लिया है जनाब ये 100 ग्राम मैंने चने की दाल ली है, 100 ग्राम मैंने मूंग की दाल ली है, 100 ग्राम ही मैंने माश की दाल ली है और 100 ग्राम ही मैंने मसूर की दाल ली है। इसके अलावा इसमें जाएगा जनाब 100 ग्राम ये चावल है जनाब, ये कनकी वाला चावल होता है, टूटा हुआ बासमती राइस ये हमने लिया है, ये भी 100 ग्राम है। और ये दलिया है, ये भी 100 ग्राम है। अगर आपको आपके पास गेहूँ हो तो आप उसे ओवरनाइट आप उसको भिगोएंगी, फिर उसको आप दालों के साथ पकाएंगी, सही है। और इसके अलावा ये सब चीज़ें हमें एक बर्तन में भिगोनी है, फिर उसको धोकर और हमें उसे पकने के लिए रख देना है, राइट। देखिए ये हमने अपना पॉट लिया है, इसके अंदर हम अपनी सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी, दालें, चावल, दलिया, ये सब हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह धो के और हम भिगो देंगे, राइट। ये हम डाल के इसको धोएंगे। मेक श्योर कि आपकी दालें साफ़ हों, उनमें कंकर वगैरह ना हों। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद हम इसे 1 घंटा भिगोएंगे और फिर इसको हम पकने के लिए रख देंगे, राइट। अब हम इसको धोएंगे और धोने के बाद इसको हम पकने के लिए रख देंगे, राइट। ये मैंने पानी इसमें डाल दिया है, अब मैं इसको अच्छी तरह धो के और इसे अपने स्टोव के ऊपर पकने के लिए रख दूँगी, राइट। देखें ये दालें हमने अच्छी तरह धो ली हैं, अब हम इनको भिगो देंगे। हम इसको 2 घंटे भिगोएंगे और उसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे, राइट। देखें सेकंड स्टेप की तरफ अब हम आएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड स्टेप में क्या करना है। ये मैंने बोनलेस गोश्त लिया है, ये बीफ का गोश्त है और इसके साथ मैंने ये 1/2 kg है, 1/2 kg से ज़्यादा ही है थोड़ा, क्योंकि मैंने इसमें फैट भी लिया है। हम खोल के इसको आपको दिखा देते हैं। ये देखें ये इस बड़ी बड़ी इतनी बूटियां हमें बनानी हैं ताकि हलीम में रेशा अच्छा आए। और ये मैंने फैट लिया है, ये भी हम इसके साथ पकाएंगे, राइट। और जनाब इसके अलावा हमें चाहिए 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। अच्छा, मसालों में इसमें जाएगा जनाब 2 teaspoon हल्दी, 3 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon सॉल्ट, 2 teaspoon धनिया पाउडर और 2 teaspoon ही गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा इसमें जाएगा जनाब 250 ml ऑयल, 1 पाव तेल, राइट, ये जाएगा। और इसमें ये अदरक जाएगी जो 2 tablespoon है और लहसुन जाएगा जो 2 tablespoon है। ये हम मोटा मोटा कूट के डालेंगे। आप जब भी कोई हलीम वगैरह या पाए बनाएं तो उसके अंदर लहसुन अदरक हमेशा फ्रेश डाला करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। रखा हुआ गरम लहसुन अदरक वो अपनी खुशबू खो देता है। ये हरी मिर्चियाँ इसमें जाएंगी जो हम गोश्त के साथ चढ़ाएंगे। ये सब है हलीम का कोरमा बनाने का अज्जा। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसको किस तरह पकाना है। देखें हमने स्टोव पे अपने पैन को रख दिया है, अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे जो हमने 1 पाव तेल लिया था, ये हम इसमें डालेंगे। और जनाब जैसे ही ये गर्म होगा इसमें हम अपनी ये एक प्याज डाल देंगे, जो हमने 3 medium size की प्याज ली थी ये हम इसमें डाल देंगे, राइट। और इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। जैसे ही हमारी प्याज लाइट ब्राउन होगी हम इसके अंदर अपने गोश्त को डालेंगे, भूनेंगे और फिर लहसुन अदरक और सारे मसाले डालकर इसको अच्छी तरह भूनने के बाद हम गोश्त को गलने के लिए रख देंगे, राइट।
देखिए हमारी प्याज अब ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर अपना गोश्त डाल देंगे। फूल की मैंने बोन्स भी ली है, बोन्स का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। ये बोन्स है, देखें हमारा गोश्त अब का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर कूटा हुआ लहसुन अदरक डालेंगे, जो मैंने आपको साबुत दिखाया था, इसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ये डाल के भूनेंगे हम, और इसमें कुटी हुई हरी मिर्च डालेंगे जो 4 टेबल स्पून है। हमेशा फ्रेश स्पाइसेस यूज़ किया करें, पाउडर के अलावा, पाउडर स्पाइसेस के अलावा आप जो स्पाइसेस डालें वो फ्रेश डालें। देखिए हमारा गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है, राइट, कलर भी चेंज हो गया है और अनियन भी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस डाल देंगे। ये जनाब मैंने हल्दी ली है 1-2 टीस्पून, और 3 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, राइट, ये हम इसमें डाल देंगे, और नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, और मज़ीद हम टेस्ट करके डालेंगे। ये धनिया है 2 टीस्पून, और ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये सब हम इसमें डालेंगे और इसको भूनेंगे अच्छी तरह। आप चाहें तो इसे कुकर में भी गला सकती हैं, ऐसे भूनने के बाद आप इसे कुकर में, आप कुकर में पकाएं और इसको 20 मिनट के लिए आप इसका प्रेशर लगा दें तो गोश्त बिल्कुल हलवे की तरह गल जाएगा, फिर आपके हाथों से ही टूट जाएगा, आपको घोटने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, राइट। इसको हम तेज़ आंच पे भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसे गलने के लिए रख देंगे। देखिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको भूनेंगे, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसको भूनेंगे। जब तक आपका मसाला अच्छी तरह नहीं भून जाता, आपका सालन या आपका हलीम कोई भी चीज़ आपकी अच्छी नहीं बनेगी। खूब अच्छी तरह भून के मसालों की जो स्मेल है कच्ची सी वो निकाल दें। दूसरी तरफ हमने दालों को भी पकने रख दिया है, वो भी हमारी पक रही है। हमने हल्दी और नमक और जनाब 1 तेज़पत्ता और 2 दालचीनी सिनेमन स्टिक के 2 छोटे टुकड़े हमने डाल के दालों को पकने रख दिया है। वो हल्की आंच पे पकती रहेंगी, जब वो गल जाएंगी तब हम उसे घोट लेंगे, और घोटने के बाद फिर ये गोश्त हमारा जब गल जाएगा इसको अलग से हम घोटेंगे, और फिर ये दोनों चीज़ें मिला देंगे, फिर इसको हल्की आँच पर पकाएंगे, फिर उसके बाद जो है हम इसका तड़का तैयार करेंगे, हरा मसाला इसका तैयार करेंगे, इस तरह हमारा हलीम घर में रेडी हो जाएगा। देखिए हमारा अच्छी तरह भून गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा। मैंने 1 लीटर पानी डाला है, अगर नहीं गलेगा तो मैं मज़ीद पानी इसमें और डाल दूँगी, राइट। ये हम अच्छी तरह साफ करके, हमेशा जो भी आप चीज़ बनाएं उसको स्लो हीट पे पकाया करें, स्लो हीट पे टेस्ट निकल कर आता है, राइट, वरना आप जल्दी जल्दी पकाएंगी तो इसका टेस्ट जल जाएगा, राइट। ये हम पकने के लिए रख देंगे जब तक कि हमारा गोश्त नहीं गल जाता। इन केस अगर हमारा गोश्त नहीं गल रहा है तो हम इसे 20 मिनट के लिए कुकर में भी प्रेशर दे देंगे, राइट।
देखिए ये दूसरे स्टोव पर हमने अपनी दालें पकने के लिए रख दी हैं और ये हमारी तकरीबन गल चुकी हैं। अभी हम इसमें मज़ीद और पानी डालेंगे। मैंने ये एक तेज़पत्ता डाल दिया इसमें, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है और जनाब 2-3 सिनामिन स्टिक है, मैंने सिनामिन स्टिक डाले हैं। हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे जब तक कि खूब अच्छी तरह हमारी दालें गल नहीं जाती। पानी डाल देंगे, इसको चलाएंगे और इसको स्लो हीट पर हम फिर पकने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह हमारी गल जाएंगी तब हम इसे दाल घोटने का जो होता है उससे घोटेंगे, या फिर मेरे पास हैंड ब्लेंडर है मैं उससे भी घोट लूँगी। राइट, अब हम इसे पकने के लिए रख देते हैं। देखें ये हमारे गोश्त को पकते हुए 4 से 5 घंटे हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है। मैं आपको चेक करवाती हूँ, देखिए कितना शानदार गल गया है। थोड़ा सख्त था तो मैंने इसको जो है 15-20 मिनट के लिए मैंने इसको कुकर कर लिया था। ये देखें कितना अच्छा हमारा गोश्त गल गया है। ये देखें अब हम इसको गोश्त को निकाल लेंगे इसमें से, और निकालने के बाद हम इसका जो ग्रेवी है वो हम हलीम में शामिल करेंगे। स्टोव को ऑफ कर देंगे हम और ये सब चीज़ें हम एक बोल में निकालेंगे और इसका जो ग्रेवी है वो हमने हलीम में शामिल कर देंगे। इसको हम इस बोल के अंदर हाथों से रेशा करेंगे वरना फिर वो जो घोटने का होता है दाल घोटने का उससे हम इसको अलग अलग इसका रेशा कर लेंगे और जो हमारा जो हमारी फैट है फैट को भी हम छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। राइट, ये देखेंगे हमारा गोश्त अब हो गया है। अब हम इसको करेंगे जब तक कि हम इसको रेशा करते हैं तब तक हम हलीम के अंदर इसको शामिल करके पकाएंगे। हम इस पैन उठा लेंगे और अपना हलीम का जो हमारी दाल है उसको हम रखेंगे इस पर जो हमने घोट के रखी हुई थी। अब इसके अंदर हम ये ग्रेवी डाल देंगे सारा। राइट, ये हमने घोटी हुई है दाल पहले ही, तो देखिए हम इसमें डाल देंगे ताकि इससे कलर अच्छा आ जाए हलीम। इस स्टेज पर आप इसके अंदर सॉल्ट मज़ीद ऐड कर सकती हैं। अभी आप चख लें इसको और टेस्ट कर लें कि सॉल्ट कैसा है, फिर आप इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दें। इस स्टेज पे सॉल्ट ऐड किया जा सकता है। ये इसी के साथ पककर और इसमें फ्लेवर भी आ गया एक तरीके से। ये जनाब आपको यखनी आपने इसमें डाल दी है उसकी अपने बीफ की। अब हम इसको अच्छी तरह डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे। स्लो हीट पे हम इसको छोड़ देंगे, जब ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा तब हम अपने गोश्त का रेशा करके इसमें शामिल कर देंगे, फिर उसके बाद हम इस पर तड़का लगाएंगे। राइट, बिल्कुल स्लो हीट पर हम पकाएंगे। फ्लेम को लो कर दें बिल्कुल और ये ध्यान रखें कि आपका हलीम नीचे स्टिक ना हो जाए। अगर नीचे लग गया हलीम तो यकीन करें आपकी सारा हलीम सारी मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी क्योंकि फिर वो जलने की स्मेल इसमें आ जाएगी। राइट, देखें कितना अच्छा हमारे हलीम का कलर आया है। देखें क्या शानदार कलर आया है। अब हम इसमें इसका रेशा भी मिला देंगे और उसको एक साइड पर रख देंगे। हम इसके स्पाइसेस चेक करेंगे, सॉल्ट वगैरह अगर कम होंगे तो हम मज़ीद ऐड कर देंगे और फिर हम हरा मसाला भी इसका बनाएंगे और इसका तड़का भी हम तैयार करेंगे। राइट, कितना शानदार और उसकी कंसिस्टेंसी देखें आप क्या ज़बरदस्त है। और इसके अंदर जब हम बीफ मिला देंगे तब तो इसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। राइट, फिर हम इसको एक मरतबा और घोटेंगे जब हम इसमें अपना बीफ का रेशा मिला देंगे। राइट, अब हम इसको स्लो हीट पे पकने देंगे। देखिए हमने बीफ का रेशा करके इसमें डाल दिया है, अब हम इसको अच्छी तरह घोटेंगे। अब ये हैंड ब्लेंडर से या किसी मशीन से मत घोटिएगा क्योंकि फिर ये रेशा टूट जाएगा और ये जो रेशा है ये आपकी हैंड ब्लेंडर को ख़राब भी कर सकता है। अब
अब हम इसको खूब अच्छी तरह घोटेंगे और फिर बाद बस ये हमारा हलीम रेडी है। अब हम इस पर तड़का लगाएंगे, अच्छी तरह घोट लें इसको। हाथ से जो घोटने में टेस्ट आता है वो मशीनों से नहीं आता। जो चीज़ आप हाथ से कर सकते हैं आप एटलीस्ट वो ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी हलीम बना है, यकीन करें आप बाजार के हलीम को भूल जाएंगे। इतनी सफाई से और इतनी अच्छा क्वालिटी का चीज़ें लेकर कोई भी इस तरह का हलीम नहीं बना सकता। लोग इसके अंदर रेशे के लिए बहुत कुछ डालते हैं, अगर वो बीफ ही अच्छी क्वालिटी का और अच्छा डाल दें तो उन्हें मज़ीद कुछ मिलावट करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अब ये हमारा घुट जाएगा तो तब हम इसके अंदर तड़का लगाएंगे। मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने इसमें तड़का डाल दिया है हरी मिर्ची और अदरक का और हाफ कप ऑयल लेके। देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल आई है हमारी हलीम की। अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा हलीम अब रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे गार्निश करेंगे, जूलियन अदरक से हम इसको गार्निश करेंगे। राइट, थोड़ा सा हम इस पर चाट मसाला भी छिड़केंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। बाकी आप सिंगल सर्विंग में भी इसको सर्व कर सकती हैं चाट मसाले को। हरी मिर्ची डालेंगे इसके ऊपर, राइट, और हम इस पर डालेंगे जनाब ब्राउन प्याज, ये हम इस पर डाल देंगे। खूबसूरती से सजाएं और पेश करें। बड़ी शानदार ये हमारा हलीम बना है। यकीन करें आप बाज़ार के हलीम को भूल जाएंगे अगर आपने ऐसा घर में बना लिया। राइट, ये देखें हमारा हलीम रेडी है। इसके साथ हम एक लेमन भी रख देंगे। देखें जनाब हमारा हलीम अब रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।